नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। देश के लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएस 95 पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसकी वजह से लगभग 1.54 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक चल बसे हैं। ईपीएफओ की यह बदनीयति है। 65 लाख से अधिक वयोवृद्ध को उच्च पेंशन पाने के लिए वैधानिक अधिकार पर अभी भी लगे हुए है अड़गा। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जानते हैं कि ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है वो अभी तक लंबित है और इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। ईपीएफओ की इस बदनीयति की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारक हायर पेंशन का इंतजार करते हुए लगभग 1.54 लाख पेंशनर चल बसे है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ द्वारा ये जो रवैया अपनाया जा रहा है तो इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। पर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हायर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उनमें से लगभग 1.54 लाख पेंशनर्स चल बसे हैं। यह ईपीएफओ की एक बदनीयति है जिसका कारण है कि ईपीएफओ द्वारा जो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है तो उसके ऊपर अभी भी फैसला नहीं आया है और ईपीएस 95 पेंशन धारक हायर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। देश के लगभग 65 लाख से अधिक वयोवृद्ध को उच्च पेंशन पाने के लिए वैधानिक अधिकार पर अभी भी लगे हुए हैं अड़गा। तो क्या आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। पिछले 3 वर्षों में देश के 1.54 लाख पेंशनर हायर पेंशन की राह देखते हुए चल बसे है। ऐसी दुखदायी स्थिति आई है तो बस ईपीएफओ की उस बदनीयति से जिसने पेंशन स्कीम में वर्ष 1996 के संशोधन के बावजूद हर बार अड़गा लगाते हुए हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ठुकराते हुए वयोवृद्धों को अभी भी हायर पेंशन से वंचित रखा है। गरीबी और आर्थिक बहाली की मार झेल रहे देश के वरिष्ठ नागरिक दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा स्कीम चलाने का दम भरने वाली भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन बनाए गए संगठन को अभी भी उन्होंने एक बार फिर से विस्तार से उन्हें बताया है कि हायर पेंशन देने के लिए 1996 के ही निर्णय को लागू करने में ईपीएफओ कैसी कैसी चाले चलता रहा है। साथ ही यह कब कब और किस प्रकार कभी नियम में गलत ढंग से फेर बदल कर नए नोटिफिकेशन जारी कर कभी केरल हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना करने में जुटा रहा है। मात्र 500 से लेकर 700 रुपए पेंशन पर आजीविका चलाने पर मजबूर 1.54 लाख वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक बदहाली के बीच प्राण गंवाने का हृदय उल्लेखित करने वाला यह आंकड़ा भी ईपीएफओ ही स्वयं बयान कर गया है। सहज ही समझने वाली बात है कि जीवन भर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर रिटायर हुए वरिष्ठ नागरिक मामूली से मामूली पेंशन की रकम में कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। तो जी हम सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो पेंशन मिल रही है तो वो न्यूनतम सरकार द्वारा 1000 घोषित की गई है। लगभग 45 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है। ऐसे में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत ये जो पेंशन धारकों को मिल रही है तो इसमें जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। मौजूदा महंगाई के जमाने में सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा समाज के लिए और कई संगठनों में काम करने के बाद यह जो पेंशन प्रदान की जाती है तो वो काफी कम है।
क्योंकि यह जो कर्मचारी अभी रिटायर्ड हो चुके हैं तो इनके द्वारा जब वे सेवा में थे तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो है वो उनके द्वारा उनके वेतन के हिसाब से 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, और उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है वो उनको पेंशन का भुगतान जो है वो नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जल्द से जल्द रिविजन करने की जरूरत है ताकि पेंशन धारकों को एक अच्छी खासी पेंशन जो है वो मिल सके। लगातार श्रम संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पेंशन धारकों को न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन प्रदान किए जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। तो यह आज की ये जो अपडेट है तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दाखिल है तो उस वजह से भी जो है वो हायर पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं और जो न्यूनतम पेंशन मिलती है तो वो भी काफी कम है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। आगे यहाँ पर अपडेट है कि इन्हीं कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि और पेंशन के नाम पर प्रत्येक महीने की कटौती की गई रकम में से ही ईपीएफओ अपने मोटे वेतन पाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रत्येक माह 2,000 रुपए चिकित्सा भत्ता देता है, लेकिन जिनके पैसे पर ये ऐश कर रहे हैं उन्हें पूरे महीने आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त पेंशन से भी वंचित रखा गया है। तो ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के ये जो रिटायर्ड पेंशन धारक है तो उनको नाम मात्र पेंशन का भुगतान जो है वो ईपीएस 95 योजना के तहत किया जा रहा है, जो कि काफी कम है। ऐसे में पेंशन धारकों को जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। साथ में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। एक तो पेंशन कम और दूसरी तरफ कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है। ऐसे में जो रिटायर्ड कर्मचारी है तो वो कैसे अपना जीवन यापन करे, तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सामाजिक सुरक्षा को अच्छी तरह से बेहतर बनाने के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में जल्द से जल्द रिविजन होना चाहिए, और रिविजन के बाद यह जो स्कीम है तो उससे मिलने वाली पेंशन जो है वो काफी अच्छी भी होनी चाहिए, ताकि जो भी कर्मचारी इस योजना में शामिल होते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी पेंशन जो है वो मिल सके। साथ में जब वे रिटायर्ड हो जाए तो उनका जीवन यापन भी अच्छी तरह से कर सके। तो जी हां, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। ये अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।